कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, मगर कुछ गलतियां जाने अनजाने में ही सही हमारी आदत बन जाती हैं। फिर चाहे वो आदत खड़े होकर पानी पीने की हो या फिर गलत पोजीशन में सोने की। मेरी और आपकी इन सब गलतियों का सच बताने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में आपको 10 ऐसी आदतों के बारे में बताने जो आप पहले कभी नहीं जानते होंगे और सालों से रोजाना गलत ही करते आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि आपको उनका बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है। आप देख रहे हैं फैक्ट्स की दुनिया और मैं हूं दमरा अरूज। फैक्ट नंबर 10, किसिंग योर डॉग। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार अंधा होता है। एटलीस्ट डॉग लवर्स पर ये लाइन तो फिट बैठती है जो कभी भी कहीं भी कुत्ते की पप्पी जप्पी लेने में पीछे नहीं रहते। अगर आप भी सोच रहे हैं कि भाई जानवरों से प्यार करने में क्या मसला हो सकता है, तो बता दूं जनाब कि जिनको आप अपना जिगर का टुकड़ा समझकर गले लगाते हैं वही आपके जिस्म में वायरस और बैक्टीरिया को मुंतकिल करते हैं। दरअसल मसला ये है कि कुत्ते हमेशा गंदी जगहों को सूंघते चाटते नजर आते हैं। घर में डस्टबिन से लेकर सड़क पर पड़े गले सड़े कूड़े कबाड़ में भी अपना मुंह मारने से बाज नहीं आते और इसलिए उनकी नाक और मुंह जूनोटिक डिजीज का घर होती है। इसके जिस्म से वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई इंसानों के जिस्म में कई बार मुंतकिल हो जाते हैं। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी कि कुत्ते से ज्यादा प्यार करने की कीमत आपकी जान भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, प्रॉब्लम विद हील्स। ऊंची वाली हील्स पहनकर डांस बसंती। अब बसंती का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपने कभी हील पहनकर डांस किया है तो मैडम इस मस्ती की सजा आपकी स्पाइन को चुकानी पड़ सकती है। खराब पोस्चर, गेट और आर्थराइटिस की शिकायत आपको बिस्तर तक ले जा सकती है। दरहकीकत स्टेलेटोस और हील्स की जितनी इकसाम जितनी तेजी से मार्केट में बढ़ती जा रही हैं, उतनी ही रफ्तार से खवातीन में हील इंजरीज भी बढ़ती जा रही हैं। अब होता यह है कि हील्स के साथ बैलेंस बरकरार रखने के लिए अपर बॉडी को बैक साइड जबकि लोअर बॉडी को फ्रंट साइड की तरफ झुकना पड़ता है। ऐसे में नेचुरल बॉडी पोस्चर में इनबैलेंस क्रिएट होता है और सारा प्रेशर थोरैक स्पाइन, हिप्स एंड लंबर स्पाइन पर आता है। नतीजतन आपके बैक जॉइंट्स, लेगमेंट्स और डिस्क डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म में तो ये फैक्ट और भी खतरनाक बन जाता है और आपका बैठना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 8, पिंक इन पब्लिक। कभी जंगल, कभी दरख्त तो कभी दीवारों पर, यहाँ वहाँ टॉयलेट करते हुए इंडियन लोग आपको इंडिया के हर कोने में मिल जाएंगे। जुबान और सकाफत में चाहे ही लोग अलग हों, लेकिन ये आदत ज्यादातर मर्दों में एक ही जैसी है। और हो भी क्यों ना, मैन टॉयलेट्स बनाए भी ऐसे ही जाते हैं, लेकिन साइंस का लॉजिक कहता है कि खड़े होकर टॉयलेट करने के बजाय मर्दों को औरतों की तरह बैठकर ही करना चाहिए। दरअसल साइंटिफिकली बैठकर टॉयलेट करने से आपके ब्लैडर मुकम्मल तौर पर खाली हो जाते हैं, जिससे सिस्ट और बाकी हेल्थ के मसले कम होते हैं। नंबर 7, चार्जिंग बैटरी 100%। अब ये बताइए कि बैटरी को 100% चार्ज करने का जिन क्या आप पर भी सवार रहता है? अगर हाँ तो जरा अपने फोन की बैटरी पर रहम खाएं। जरा सोचिए कि आपको अगर पेट भरकर खाना खिलाया जाए तो आपकी हालत कैसी होगी? जाहिर सी बात है एफिशिएंट कम हो जाएगी। कुछ ऐसा ही फोन के साथ भी है। दरअसल हमें लिथियम बैटरी को 80% ही चार्ज की ज़रूरत होती है और 20% होने पर उसको फिर से चार्जिंग की ज़रूरत होती है। अब 20 से 80% बैटरी चार्ज का पैटर्न ही बैटरी की लाइफ को बढ़ाता है, लेकिन हम पाकिस्तानी इसको फॉलो करने में सबसे पीछे रहते हैं। इसका ही नतीजा है कि हमारी फ़ोन की बैटरी टाइम से पहले ही दम तोड़ देती है। नंबर 6, स्लीपिंग सेटबैक्स। एक मसरूफ दिन के बाद मज़ेदार बिरयानी और उम्दा नींद काफ़ी है किसी भी पाकिस्तानी का मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन एक मिनट, क्या आप भी सोने के लिए इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो जनाब जल्द ही कमर दर्द, गर्दन दर्द और खराब पेट आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दरअसल पेट के बल सोना आपको कंफर्ट का एहसास जरूर दिलवाता है, लेकिन इस तरह सोने से सारा प्रेशर आपकी स्पाइन पर आता है और उसके लिए परफेक्ट बैलेंस बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप तकिए का सहारा ले रहे हो तो आपको हेड और स्पाइन का खराब होना लाजिम हो जाता है।
इसकी कीमत आपकी गर्दन को भी चुकानी पड़ सकती है। अगर आप राइट साइड में सोने वाले हैं तो आप भी कम मुसीबत में नहीं हैं। खराब होते स्पाइन का खतरा आप पर फिर भी है। नंबर 5, पीलिंग पोटैटो विद न्यू टेक्निक। गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने में दिलचस्पी तो हर कोई ही दिखाता है, लेकिन जब बात आती है आलू छीलने की तो अक्सर हर किसी को आफत ही आ जाती है। अब अगर आपको भी इस मुसीबत भर काम से नफरत है और आप पुराने अंदाज में आलू छील कर अपना वक्त जाया करते हैं तो टेंशन ना लें। बस आपको करना ये है कि आलू को उबालने से पहले दरमियान से जरा सा कट लगा लें और फिर बस उबलने के बाद आप एक ही बार में पूरे छिलके निकाल सकते हैं। क्यों, है ना कमाल की चीज। इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 4, एग्स ऑन द फ्रिज। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। लेकिन एक मिनट, जिन अंडों को आप फ्रेश समझकर सूप के नाश्ते में खा रहे हैं, क्या वो सच में इतने फ्रेश हैं? Well, अगर आपने इनको फ्रिज में रखा है तो फिर उसका जवाब ना है। दरअसल आपकी बार बार फ्रिज खोलने की आदत है, रेफ्रिजरेटर के डोर शेल्फ की बास्केट के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव लाती है। अब माना कि फ्रिज चीज़ों को ठंडा रखने के लिए काम आता है, लेकिन जब आप बार बार फ्रिज को खोलते और बंद करते हैं तो इसके डोर शेल्फ के टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है और इसी वजह से ही इसमें अंडे के लंबे वक्त तक फ्रेश रहने की मियाद भी ख़त्म हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, बाथिंग टू मैनी टाइम्स इन अ डे। कोरोना में एक नहीं कई बार हॉट शावर लेने की आदत तो दुनिया ने डाल ली, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को जानना तो सब ही भूल गए। चलिए वो मैं बता देती हूँ। अब आप में से कई लोग जरूर सोच रहे होंगे कि अब बार बार नहाने में कौन सा मसला है, तो बता दूं कि मसला आपके बॉडी बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है। दरअसल होता यह है कि बार बार हॉट शावर लेने से बॉडी के जर्म्स के साथ साथ ऑयल और गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जिससे आपकी रौफ तो होती ही है, साथ ही एक्जिमा जैसी जिल्द के मसले भी आपको हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, पारिंग लॉन्ड्री डिटर्जेंट ऑन टॉप। अब नहाने की बात तो हो ही गई, तो क्यों ना कपड़ों को धोने की बात भी कर लें। वॉशिंग मशीन कपड़ों के ऊपर ज्यादा सारा डिटर्जेंट डालकर उन्हें धोने का तरीका अगर आप भी अपना रहे हैं, बहुत जल्द ही आपको नोप कहा जा सकता है। जी हाँ, दरअसल सही अल्फाज में कपड़ों में डालने की बजाय इसको पानी में मिक्स करना ज़रूरी होता है। इस तरह वॉशिंग सोप कपड़ों में एक बराबर पहुंचता है और वो बेहतर तरीके से साफ होते हैं। इसके अलावा हर माह कपड़ों के साथ ही वॉशिंग मशीन को भी अच्छी तरह साफ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि साइंस की तकनीक के मुताबिक वॉशिंग मशीन में भी कई तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं और उनको ख़त्म करने के लिए हर माह मशीन की सफाई ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 1, हॉल इन द पैन। आपने अपने किचन में कुकिंग टैलेंट दिखाते हुए पैन पर कई खाने भी बनाए होंगे, लेकिन आपका ध्यान कभी भी पैन पर बने हैंडल के होल पर नहीं गया होगा, जिसकी वजह से आप अपनी खमखीर को किचन स्लैब पर या फिर दूसरे बर्तन पर रख देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पैन पर बने होल का मकसद इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस होल को खाना बनाते हुए चम्मच टिकाने के लिए बनाया गया है। अब कमाल की बात है ना, कंपनी आपकी इस परेशानी का इलाज भी पैन के साथ ही बेचती है, बस लोग इससे अनजान हैं। तो जनाब, ये थी 10 ऐसी आदतें जो सालों से गलत करते आ रहे थे, जिनका हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। आप देखिए इनमें से कौन सी ऐसी आदत है जो आप अब तक अपनाए हुए हैं और उस पर ज़रूर गौर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।